बहुत सारे दोस्तों को फोन किया, 5-6 को मैंने फोन किया, 10-15 के मुझे फोन आए, ठीक है। यू विल नॉट बिलीव मी, आपको लगता है अमित सर झूठ बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमने भी कोई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो हमें पता है ना? एक एग्जाम होता है जो कि बड़ा टफ एग्जाम होता है, उसका नाम होता है गेट। गेट में बता देता हूं क्या होता है। जैसे आपके लोग नॉन मेडिकल वाले दोस्त हैं, वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो आईआईटी में बीई के लिए, बीई कहना बीई कह लो, बीटेक कहना बीटेक कह लो, ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के लिए। ऐसे ही जब आईआईटी से एमटेक करनी होती है, एमटेक होती है पोस्ट ग्रेजुएशन, उससे भी ऊपर, उसके लिए एग्जाम होता है गेट का, ठीक है। गेट का मेरा क्वालिफाइड है, ठीक है, एंड 500 ऑड रैंक है उसमें, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 500 समथिंग है, पता नहीं 11 है कि 21 है, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, 11 है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि मेरे को हमेशा अपने नेट के रैंक में और उसके रैंक में प्रॉब्लम होती रहती है। 57 है कि 511 521 है, चलो जो भी है उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, तो क्या जिस दिन एग्जाम दे के आए थे ना, ठीक है, एंड मुझे अभी भी याद है, फोन अंदर तो अलाउड नहीं था, एग्जाम हॉल के बाहर आए, सारे दोस्तों को मैंने फोन दिया, बहुत सारे दोस्तों ने हमारे एग्जाम दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने, ठीक है, आपको सच बात बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, उसका एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। जैसे आईआईटीज में होता है ना, 60-70% करेक्ट हो जाए तो आप टॉप 100 में या टॉप 200 में या टॉप 500 में तो होते ही होते हो, ठीक है। मैं एग्जाम दे के आया, मैंने बहुत सारे दोस्तों को फोन किया, 5-6 को मैंने फोन किया, 10-15 के मुझे फोन आए, ठीक है। यू विल नॉट बिलीव मी, आपको लगता है अमित सर झूठ बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, आपको लग सकता है। मेरा मैंने जो एग्जाम अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट का मतलब समझते हो ना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आयो, मैं हार्डली 75% एग्जाम अटेम्प्ट करके आया था, हार्डली 75%, एंड देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट, मतलब लगभग 20 जानों से बात हुई, मेरे को याद है अभी भी, एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद, ठीक है, सबसे कम एग्जाम जो है अटेम्प्ट मैंने किया हुआ था। मैंने हर किसी से फोन पे बात करी, कोई कह रहा मैंने 90% अटेम्प्ट किया, 95% अटेम्प्ट किया, 98% अटेम्प्ट किया, एक दो बच्चे ऐसे बता रहे भाई 100%, कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुई, मैंने अपना फोन, जब आधा पौना घंटा बात कर ली, काफी लोगों से बात कर ली, उसके बाद मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया, ठीक। रिजल्ट आया, हमारे सारे दोस्तों में से सिर्फ एक जाने का सिलेक्शन हुआ था, वो था मैं, ठीक। कारण एग्जाम अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता, आप कितना सही करके आया उससे होता है, उन्होंने तो पता नहीं क्या कर रखा होगा। रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं सब जगह पे, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे हैं आज की डेट में, बट पता नहीं एग्जाम क्या अटेम्प्ट करके आए थे यार, ठीक है, 95% एग्जाम अटेम्प्ट करके आए। भाई साहब, अभी तेरा तो कोई मतलब कि नामो निशानी नहीं है, तो अगर आपको लगता है ऐसा है, हालत सबकी खराब होती है, मेरी भी हालत खराब हुई थी एग्जाम देने के बाद, ठीक है, सिर्फ एक जाने का सिलेक्शन हुआ था उस साल, सिर्फ एक, एंड दैट वाज मी, ठीक है। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, मतलब कि ठीक है, अच्छा तो लगता है, आपका भी कल को एग्जाम क्वालिफाई होगा, आपको भी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप कितने अच्छे तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करके आए हैं वो मैटर करता है, ठीक है ना, ना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, सारी दुनिया करके आती है क्वेश्चन, तो हमारा हर साल का काम है, तुमने अगली साल पहली बार नीट देना है, हर साल का काम है, एग्जाम दे के आने के बाद आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो जाओ, लोगों से पूछना शुरू करो आपका एग्जाम कैसा हुआ है, 99% से जनता या 95% तो आई, जो एग्जाम देके आगे बाहर आए कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा एग्जाम आज इजी है। जिस जैसे टाइम बीतता जाता, फिर अरे यार ये भी गलत हो गया यार, ये भी नहीं कर पाया, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पेपर में देखा ही नहीं था, अरे ये तो पूरे पेज का क्वेश्चन छूट गए 10 के 10, तो ये होता है, ठीक है। इसी कारण कह रहे हैं स्पीड डेवलप करिए, ठीक है, हमसे तो बहुत आगे निकलेंगे आप लोग, बहुत आगे, है ना, अपने आप को ब्रैग नहीं करना चाहिए, इसी कारण मैं अपनी स्टोरी सुनाता नहीं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग इंप्रूव करें, धीरे धीरे आप में विजिबल चेंज आए, आपको लगे कि यार ग्रोथ हो रही है, यार मैं आगे बढ़ रहा हूं, वही एग्जाम क्वालिफाई करेगा। भाई साहब सोच नहीं सकते थे, अपनी हालत इतनी फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी कि हम सोच पाए कि हम कहीं से कोचिंग ले लेंगे, टीचर जो पढ़ाते थे बस क्लास में वो पढ़ा, हाँ प्रैक्टिस करी थी, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस जरूर करी थी, किसी टीचर ने बोला फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये बुक प्रैक्टिस कर लो, वो कर ली, किसी ने बोला ऑर्गेनिक के लिए वो बुक प्रैक्टिस कर लो, वो कर ली, इनऑर्गेनिक के लिए कर ली, बस खत्म।